हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम अनुप्रण, अब तक रो हिंदी टेक वीडियो। और फाइनली दोस्तों, मेरे पास है रेडमी नोट 4 और इसके अंदर दोस्तों हमने इंस्टॉल कर लिया है एंड्रॉयड 10। सो ये दोस्तों मेरे चैनल के ऊपर एंड्रॉयड 10 का फर्स्ट लुक होने वाला है रेडमी नोट 4 के अंदर। दोस्तों एक चीज़ बता दो, कोई रॉम नहीं है दोस्तों, एक JSI है, जेनेटिक सिस्टम इमेज मैंने इंस्टॉल किया है रेडमी नोट 4 के अंदर। आपको पहले मैं सीरीज में जाकर दिखा देता हूँ। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला है क्योंकि यहाँ पर मैं दोस्तों सभी चीज़ जो नया आया है एंड्रॉयड 10 के अंदर वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और मुझे कैसे लगा एंड्रॉयड 10 उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। सिंपली चलते हैं अवार्ड फोन के अंदर। और यहाँ पर आपको मिलता है एंड्रॉयड वर्सन 10। यहाँ पर सिक्योरिटी पैच लेवल भी आप देख पाओगे। सो एकदम नया आया है दोस्तों, एकदम ही नया है ये आपका एंड्रॉयड 10। कुछ इस तरह से स्टार एक आपको मिलता है, इसको आप चेंज भी कर पाओगे। एनीवे कुछ इस तरह से आपको स्टार एक मिल जाता है एंड्रॉयड 10 के अंदर। सो उसके बाद दोस्तों सर्वप्रथम आप जो चीज़ नोटिस करोगे दोस्तों, यहाँ पर आपको छोटी मोटी चेंजेस मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पर आपको टॉगल्स के अंदर डार्क मोड मिलता है। सो फाइनली दोस्तों एंड्रॉयड 10 के अंदर सिस्टम वाइड डार्क मोड मिलता है, जिसके साथ दोस्तों आपका जो पूरा सिस्टम है दोस्तों पूरा कंप्लीटली डार्क मोड के अंदर तब्दील हो जाता है। सो इसे एनेबल करते हैं और ये देखो दोस्तों बूम को एनेबल कर लेते पहले, और ये डार्क मोड एनेबल हो गया। और देखो दोस्तों कंप्लीटली आपका जो फोन है सब कुछ दोस्तों डार्क मोड के अंदर तब्दील हो जाता है। पर सभी एप्लीकेशन अभी के लिए दोस्तों डार्क मोड को सपोर्ट नहीं करते हैं। इन फ्यूचर जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है दोस्तों उसके अंदर भी डार्क मोड आ जाएगा। अभी के लिए देखो जो सेटिंग्स है दोस्तों उसके अंदर डार्क मोड आ गया है। जो मैसेज है दोस्तों उसके अंदर अभी भी डार्क मोड नहीं आया है, इसको आपको अलग से यहाँ पर सेटिंग्स में जाकर डार्क मोड को एनेबल करना पड़ेगा। ओके सो ये पर्टिकुलर अपडेट के अंदर नहीं है। सो आपको दोस्तों सभी एप्लीकेशन के अंदर डार्क मोड नहीं दिखाई देगा, पर मोस्टली जितने भी गूगल के एप्लीकेशन है उसके अंदर ऑलरेडी डार्क मोड आ गया है लेटेस्ट वर्जन के अंदर। तो कुछ इस तरह से आपको डार्क मोड मिल जाता है दोस्तों एंड्रॉयड 10 के अंदर। उसके साथ दोस्तों यहाँ पर आपको और एक मोड मिलता है जिसे कहते हैं ग्रे स्केल। इसको एनेबल करने के बाद जो दोस्तों आपका जो फोन है दोस्तों पूरा ही ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर हो जाता है, ग्रे एंड व्हाइट के अंदर हो जाता है। सो इसके क्या होता है, अगर आपके फोन के अंदर एमुलेट डिस्प्ले है दोस्तों तो बहुत ज्यादा बैटरी सेव करेगा इस पर्टिकुलर मोड को एनेबल करने के बाद। डार्क मोड को एनेबल कर दो, उसके बाद ग्रे स्केल मोड को एनेबल कर दो, और उसके बाद बैटरी सेवर मोड को एनेबल कर दो। उसके बाद आपका जो फोन है दोस्तों बहुत ज्यादा बैटरी सेव करेगा और बहुत ही अच्छा बैटरी लाइफ प्रोवाइड करेगा इस मोड को एनेबल करने के बाद। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं परमिशन की, सो पहले हम इसे बंद कर देते हैं, डार्क मोड को भी मैं बंद कर दिया। चलते हैं सेटिंग्स के अंदर, देखते हैं और क्या 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 है सेटिंग्स के अंदर। सो यहाँ पर दोस्तों आपका जो बैटरी है दोस्तों, बैटरी के अंदर आपको कोई भी नई चेंजेस नहीं दिखाई देगा, कोई भी एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं है। पर आपको जो डिजिटल वेलबिंग है दोस्तों इसके अंदर आपको मिलता है फोकस मोड। जो फोकस मोड है दोस्तों अभी के लिए इस पर्टिकुलर अपडेट के अंदर नहीं आया है, यहाँ पर आपको अनलॉक भी दिखाई देगा। सो विंड डाउन मोड है, कुछ इस तरह से आपको मिलता है। सो जो फोकस मोड दोस्तों वो आने वाला है अभी के लिए इस पर्टिकुलर एंड्रॉयड 10 वर्जन के अंदर। फोकस मोड को हटा दिया गया है, GSI से हटा दिया गया है क्योंकि रेडमी नोट 4 के अंदर ढंग से काम नहीं कर रहा था। सो उसके बाद दोस्तों बात करते हैं और क्या क्या नया चीजें मिलता है। यहाँ पर आपको दोस्तों जो एनिमेशन है थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, देख पा रहे हो। ये जो दोस्तों GSI है इतना कुछ खास नहीं है, इतना कुछ फास्ट नहीं है। ये जो GSI है थोड़ा सा स्लो आप कह सकते हो क्योंकि फास्ट बिल्ड है दोस्तों GSI का एंड्रॉयड 10 स्टेबल वर्जन का, इसलिए इतना कुछ खास नहीं है। पर अच्छी बात है दोस्तों जो कैमरा टू एपीआई है दोस्तों एनेबल है। दोस्तों आप यहां से इस GSI को इंस्टॉल करने के बाद आपको अलग से कैमरा टू एपीआई को एनेबल नहीं करना पड़ेगा। आप आराम से दोस्तों इसी GSI के अंदर, इसी पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर गूगल कैमरा को इंस्टॉल कर सकते हो। वैसे देख पा रहे हो GCam 6.3 जो कि एंड्रॉयड 10 का स्टेबल बिल्ड का GCam है, वो दोस्तों रेडमी नोट 4 के अंदर काम कर रहा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी GSI के अंदर। सो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हो थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है GSI के अंदर, जैसे कि मैंने बताया अभी के लिए दोस्तों स्टेबल नहीं है, और भी स्टेबल होना बाकी है। GSI जो है दोस्तों थोड़ा सा स्लो है। एंड्रॉयड 10 के अंदर जब भी आप कोई एप्लीकेशन को थर्ड पार्टी से इंस्टॉल करोगे दोस्तों, इंस्टॉल होने के बाद जो एप्लीकेशन है ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, उसको फिर से बैकअप लेके भी इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। जैसे कि मेरे केस के अंदर हुआ दोस्तों, मैं प्ले स्टोर से छोड़ के जेंडर से कुछ एप्लीकेशन को मेरे और एक फोन के अंदर लिया। उसके बाद जब भी मैं उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा था दोस्तों, इंस्टॉल नहीं हो रहा था, बता रहा था सॉरी एप्लीकेशन नॉट अवेलेबल। सो एंड्रॉयड 10 के अंदर दोस्तों आप कोई भी थर्ड पार्टी से अगर कोई एप्लीकेशन को रिसीव करते हो, उसको एक बार इंस्टॉल करने के बाद आप फिर से उसे इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। सो उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अपना गेस्चर्स के बारे में। सो यहाँ पर दोस्तों गेस्चर्स के लिए सिस्टम में जाना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर एडवांस में जाके यहाँ पर आपको ओके
ऊपर ही आपको गेस्चर्स मिल जाता है। सो गेस्चर्स के अंदर मैंने दोस्तों अभी के लिए गेस्चर नेविगेशन को सिलेक्ट कर लिया है। सो ये जो गेस्चर है दोस्तों, जिस तरह से आपको इमोवी के अंदर मिलता है, इमोवी 10 के अंदर गेस्चर्स मिलते हैं, उसी तरह से दोस्तों गेस्चर्स को इंक्लूज किया गया है एंड्रॉइड 10 के अंदर। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप कुछ इस तरह से एक एप्लीकेशन से और एक एप्लीकेशन में जा सकते हो। सो आपको यहाँ से स्वाइप करना होगा, नीचे आपको दोस्तों यहाँ पर बटन मिल जाएगा गेस्चर्स के लिए। सो कुछ इस तरह से दोस्तों आपको गेस्चर्स को चेंज कर सकते हो। जो गेस्चर्स है अभी भी इतना कुछ खास मुझे नहीं लगा है, इतना कुछ फ्लुएंट नहीं है, और फ्लुएंट होना बाकी है अभी के लिए। और यहाँ पर आप गेस्चर्स में जाके, सो गेस्चर्स में जाने के लिए आपको सिस्टम में जाना होगा, गेस्चर्स में जाना होगा, उसके बाद सिस्टम नेविगेशन में जाना होगा, उसके बाद आपको यहाँ से आप सेंसिटिविटी को चेंज कर सकते हो। उसके साथ आपको 2 बटन नेविगेशन भी मिलता ही है, जिस तरह से आपको मिलता है, और 3 बटन नेविगेशन भी मिल जाता है, जिस तरह से आपको और कोई डिवाइस के अंदर मिलता है। पर मैं दोस्तों यहाँ पर पिक्सल का जो गेस्चर नेविगेशन है उसे यूज कर रहा हूँ। और बैक करने के लिए सिंपली आप यहाँ से स्वाइप कर दो, एज से आपको स्वाइप करना होगा, इस तरह से बैक कर सकते हो। जिस तरह से आपको MIUI के अंदर होता है दोस्तों, एज से आप स्वाइप कर सकते हो, उसी तरह से दोस्तों आपको स्वाइप करना होगा आपने MIUI, सॉरी आपने Android 10 के अंदर। उसके बाद दोस्तों जो डार्क मोड है वो काफी अच्छे से काम कर रहा है, और आपका जो गेस्चर है वो भी आपको ठीक ठाक से काम करेगा अपने डिवाइस के अंदर। सो और एक नया चीज दोस्तों यहाँ पर ऐड हुआ है, प्राइवेसी। सो प्राइवेसी के अंदर दोस्तों आपको अलग से बहुत सारी चीज मिल जाता है। सो यहाँ से आप अपने डिवाइस के लिए अच्छे से प्राइवेसी कंट्रोल कर पाओगे। एंड्रॉइड 10 के अंदर प्राइवेसी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। सो यहाँ पर परमिशन मैनेजर के अंदर आप देख पाओगे कौन कौन से एप्लीकेशन के ऊपर कौन कौन सी परमिशन को अलाउ करके दिया गया है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको सिक्योरिटी के अंदर मिल जाता है एक नया अपडेट, जिसे कहते हैं गूगल प्ले सिस्टम अपडेट। सो ये जो अपडेट है दोस्तों, एक्चुअली आपका जो सिक्योरिटी पैच है दोस्तों, गूगल डायरेक्ट आपके डिवाइस के ऊपर सिक्योरिटी पैच को प्रोवाइड करेगा बाय यूजिंग ऑफ गूगल प्ले सिस्टम अपडेट, जो कि काफी अच्छे से काम करने वाला है। इन फ्यूचर सभी डिवाइस के लिए सिक्योरिटी पैच अपडेट वाया दिस फीचर आपको दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप अगर आपको बता दूं, जो ऐप इन्फो है, ऐप इन्फो के अंदर थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। आपको कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा ऐप इन्फो, और परमिशन कुछ इस तरह से आपको देना होगा। अगर आप कोई भी परमिशन को डिनाई करते हो दोस्तों, तो यहाँ से आप डिनाई मेनू के अंदर आपको दिखाई दे जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको एडवांस के अंदर स्क्रीन ऑन टाइम, बैटरी, होम, ऐप ओपन बाय डिफॉल्ट मिल जाता है, मॉडिफाई सिस्टम सेटिंग्स के लिए अलग से मिल जाता है। सो कुछ छोटी मोटी चेंजेस हुए हैं दोस्तों एंड्रॉइड 10 के अंदर। एंड्रॉइड 9 से एंड्रॉइड 10 के अंदर इतना कुछ ह्यूज विजुअल चेंजेस नहीं है, पर बैकग्राउंड के अंदर बहुत सारी चीज को ऐड किया गया है। प्राइवेसी के अंदर ध्यान दिया गया है, डार्क मोड के अंदर ध्यान दिया गया है। अभी भी डार्क मोड सभी एप्लीकेशन के ऊपर काम नहीं करता है। उसके साथ साथ यहाँ पर स्पेशली फ्लोटिंग जो फोल्डिंग फोन है उसके लिए ध्यान दिया गया है। ग्रे स्केल जो कि एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है, जिस तरह की फोन होती है एमोलेड डिस्प्ले वाली फोन के लिए ध्यान दिया गया है। सो ओवरऑल जो एंड्रॉइड 9 था, 9 का एक पॉलिश वर्जन है एंड्रॉइड 10, और आपको एंड्रॉइड 10 के अंदर बहुत सारी इंप्रूवमेंट दिखाई देगा एंड्रॉइड 9 से। सो उसके बाद दोस्तों कोई भी एप्लीकेशन को जब भी आप ओपन करोगे दोस्तों, ओपन करने के बाद पहली दफा दोस्तों कुछ इस तरह से आपको परमिशन पूछेगा, जो कि काफी ज्यादा iOS से इंस्पायर है। उसके बाद पूछेगा दोस्तों आपका लोकेशन के बारे में। यहाँ पर एक चीज है दोस्तों, जब भी आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तब भी दोस्तों आपका लोकेशन इनेबल होगा, बाकी टाइम बैकग्राउंड के अंदर आपको लोकेशन एक्सेस नहीं मिलेगा, इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को लोकेशन एक्सेस नहीं मिलेगा। सो कुछ इस तरह से दोस्तों एंड्रॉइड 10 काम करते हैं परमिशन के लिए, लोकेशन के लिए, जो कि काफी अच्छा है। और प्राइवेसी के मामले में एंड्रॉइड 10 काफी अच्छा है एज कम्पेयर टू ओल्डर जनरेशन ऑफ एंड्रॉइड। उसके बाद दोस्तों एंड्रॉइड 10 के साथ जो चीज आप नोटिस करोगे वो है दोस्तों आपका वॉल्यूम बार। सो जो वॉल्यूम बार है कुछ इस तरह से दिखता है, पर उसके बाद आपको नीचे एक अलग सा ऑप्शन मिलता है, जिसके अंदर आपको दोस्तों मीडिया, कॉल, रिंग वॉल्यूम मिल जाता है। यहाँ से आप अलार्म सेलेक्ट कर सकते हो। सी मोड के अंदर जाके दोस्तों आप डायरेक्टली जो सेटिंग्स मेनू आता है उसके अंदर जा सकते हो। तो दोस्तों ओवरऑल जो अपडेट आया है एंड्रॉइड 10, और एंड्रॉइड 10 का जो GSI है दोस्तों, ये डेली ड्राइवर के लिए अभी भी तैयार नहीं है, और ज्यादा स्टेबल होना बाकी है। अभी के लिए आप इसे चाहो तो इंस्टॉल कर सकते हो। मैं किस तरह से इंस्टॉल करते हैं इसके लिए मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा, अगर आप इस वीडियो के अंदर 100 कमेंट कर देते हो, 100 कमेंट कर दो दोस्तों, उसके बाद मैं किस तरह से इंस्टॉल करते हैं रेमोट 4 के अंदर एंड्रॉइड 10, उसके बाद में वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा। सो जो मुझे दोस्तों पर्सनली जो लगा है दोस्तों, जो एंड्रॉइड 9 था दोस्तों उसका एक पॉलिश वर्जन है एंड्रॉइड 10। एंड्रॉइड 10 के अंदर आपको विजुअली कुछ भी चेंजेस नहीं दिखाई देगा, लॉट्स ऑफ चेंजेस नहीं है आपको। हाँ, कुछ नया नया वॉलपेपर मिलता है, वॉलपेपर के अंदर चलते हैं आपको दिखाता है क्या क्या वॉलपेपर है दोस्तों। सो यहाँ पर देख लीजिए, कुछ आपको नया वॉलपेपर मिलता है, कुछ लाइव वॉलपेपर है जिस तरह से आपको देख पा रहे हो। ये देखो दोस्तों कुछ लाइव वॉलपेपर है,
पर आपको यहाँ पर दोस्तों विजुअली कोई भी नया बिग चेंजेस नहीं दिखाई देगा, पर हाँ जो बैकग्राउंड के अंदर आपको दोस्तों बहुत सारी चेंजेस दिखाई देगा एज कम्पेयर टू एंड्रॉयड पाई। जो एंड्रॉयड पाई है दोस्तों, एंड्रॉयड पाई भी अच्छा था, पर एंड्रॉयड पाई का एक पॉलिश वर्सन है एंड्रॉयड 10 में। फिर से बता रहा हूँ, एंड्रॉयड पाई का एक पॉलिश वर्सन है एंड्रॉयड 10। सो मेरे रेडमी नोट 4 के अंदर मैं और ज्यादा यूज करने वाला हूँ और नया एपडेट को इंस्टॉल करने वाला हूँ, तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बेल आइकन को दबा देते हो, तो आपको एंड्रॉयड 10 के बारे में सभी फीचर के बारे में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैं वीडियो करके आपको बताने वाला हूँ। सो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, आपको 100 लाइक करना है इस वीडियो के अंदर, तब भी दोस्तों मैं रेडमी नोट 4 के अंदर किस तरह से इंस्टॉल करते हो उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। सो जरूर से इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बेल आइकन को जरूर से दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।